था, तो मेरे एक सब्सक्राइबर है मुंबई से रिसीव हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस। एक ये है, एक यहाँ। माय गॉड गाइस, 90s में जो राजा होते थे पेंटिंग धूप में देखने को बोला था ना उन्होंने, देखो जांगमू का पेंटिंग है। गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन, दिस इज मी लंजुम। तो आज हम बना रहे हैं मोमोज बिकॉज हमारी मम्मी का आज बर्थडे है। अम्मा कुछ बोलेंगे आप? खरगोश बना रही हूँ। मम्मी टोपी बना रही है। तो मम्मी के स्मॉल बिजनेस वाला ब्लॉग शायद से मैं इससे पहले डाल दूंगी या फिर इससे बाद, पता नहीं। तो अभी हम बनाने वाले हैं मोमोज। प्रियांशी प्रियांशी का मूड खराब है गाइस। तो गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बताने भूल गई, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रियांशी का नाम डिफरेंट क्यों है। प्रियांशी का नाम डिफरेंट इसलिए बिकॉज प्रियांशी जो है वो बुद्धिस्ट नहीं हिंदू है, दैट्स वाई। बिकॉज मेरी मासी ने शादी जो है वो स्पीति में नहीं कभी और किया, तो उस वजह से प्रियांशी का नाम प्रियांशी है। गाइस ये है प्रियांशी का डॉल्फिन। प्रियांशी का डॉल्फिन है। गाइस गर्मा गर्म मोमोज हो रहा है रेडी। ये रहा मोमो प्लेटिंग, तो ढंग से किया ही नहीं किसी ने। ये रहा चटनी, सूप डल रहा है वहां पे। ये रहा अप्पा, अप्पा सूट अप्पा टेस्टी बढ़िया। प्रियांशी बढ़िया है। कर्मा बढ़िया था, बर्थडे गर्ल बढ़िया है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अनदर डे मैं जा रही हूँ फिर से काजा। तो आज मर्ज जा रही है कार्जेन। तो ये अपना बेइज्जती कराने जा रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ हमारे पड़ोसी दीदी धूप सेक रही है। ये रे आपा के दद्दू, हम जा रहे हैं अब काजा। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 5K ऑन यूट्यूब। आप लोगों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहती थी, और ऐसे ही मेरे को मतलब सपोर्ट करते रहना सो दैट हम लोग बहुत आगे तक साथ जाए मिल के। तो मैं और कर्मा दोनों आज एक्सपेरिमेंट करने वाले, वो भी गर्म पानी वर्सेस ठंडा पानी, कौन जल्दी जमता है वाला। तो हम दोनों दो कपड़े लेने वाले हैं और उसको एक गर्म पानी में और एक ठंडा पानी में भिगो कर फिर रखने वाले, फिर देखने वाले कि कौन सा वाला जल्दी जमता है। तो चलो फटाफट चलते हैं। ये रहा हमारा पानी, ये है गर्म पानी और ये है ठंडा पानी, और ये रही मैं और ये रही कादमा। तो पापा पीछे गोबर निकाल रहे आग जलाने के लिए। तो अब अभी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले कि गर्म पानी जल्दी क्या बोलते गर्म पानी वाले जल्दी सूखता है कि ठंडा पानी वाला सूखता नहीं, जमता है बिल्कुल। तो हम जमने वाला वो कर रहे हैं। तो मेरा वाला है ठंडा पानी, तो अब हम ठंडे पानी में इसको डालेंगे। अच्छू गाइस ये तो ठंडा है बहुत। या कुछ अच्छा चामू डाल गया है गाइस, हमारा कस्टमर बनने वाला है। एक तो ऐसा खेल खेल के पूरा कमर पे और तो सब कुछ हो गया। तो गाइस ये है इसका गुंडू, तो सो गाइस इसके ऊपर ही सुखा देंगे इसको। ये है गरम वाला, अब मेरा वाला करेंगे। आ जाओ तू प्लीज मेरा वाला भी कर दे। ये ठंडा पानी है गाइस, मैं नहीं छू पाऊंगी इसे, इसको ही करने का बोल दिया मैंने। तो बस हो गया, अब हम दोनों देखेंगे कि ठंडा पानी वर्सेस गर्म पानी कौन सा जल्दी सूखता है। यह है हमारा एक्सपेरिमेंट। तो गाइस ने इसको ये तो या ठंड से वाह गाइस हमारा ये चिपकना शुरू हो गया। ये तो बहुत ये समझ बहुत गाइस बहुत ठंड है यहाँ पे। गाइस -30 डिग्री टेम्परेचर है, रात को यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। अब गाइस हम वेट करेंगे कौन सा जल्दी सूखता है। यहीं पे वार्म अप करो। डर गाय का गोबर है मेरे से दब गया गाइस। 1 2 3 4 5 सो गाइस मुझे लगा -30 है, -30 नहीं है, -25 है अभी।
तो पिछले परसों ना बहुत ज़्यादा ठंड था, तो उस टाइम पे रात को टेम्परेचर -30 था। तो ये रहा हमारा कपड़ा गाइज, ये जम चुका है, ये देखो गाइज ये जम चुका। और इस पर कोई फर्क नहीं नजर आया क्योंकि दोनों साथ ही जम है, उल्टा ये गरम वाले ज्यादा जम है, गरम वाला ज्यादा जम है गरम। गाइज हमने फाड़ दिया, देखो अभी अभी हमने यहाँ पे रखा था ना, और हमारे ये मम्मी का है, मम्मी का गुंडू है, ये हमारे हाथ से फट गया, देखो गाइज। तो ये वाला ज्यादा जमा है, गरम वाला ज्यादा जमा है, और ठंडा, अच्छा गरम वाली ही बात, ठंडा वाला ज्यादा जमा है गाइज, गरम वाला कम जमा है। देखो गाइज कैसे हो गया कपड़े का हाल। गाइज हमने एक्सपेरिमेंट करा और 5 मिनट में जम गया कपड़ा यहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा ठंड होगा, सारा जम गया मेरा तो, लिटरली बहुत ठंडा है यहाँ पे, कचुम्बर बन जाएगा। सो हाय गाइज, कल रात के भयंकर एक्सपेरिमेंट के बाद हम आ चुके काजा। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र, आई कॉन्ट बिलीव, मुझे विश्वास ही हो रहा है बिकॉज मेरे को आदत नहीं है अच्छी चीज़ों की। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पोस्ट ऑफिस, तो मैं देखने जा रही हूँ कि उन्होंने मेरे को क्या भेजा है, और बाद में अनबॉक्सिंग करूँगी बिकॉज अभी मेरे को आइस हॉकी के लिए जाना है, तो इस वजह से। तो गाइस पार्सल तो की चला गया है ऐसा बोल रहे, तो अब हम दोनों आइस हॉकी के लिए भी लेट हो रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं, हम शो फटाफट नहीं पीछे पीछे से आ रही है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। सो गाइस हम सब्जी लेने गए थे अभी, तरमगी फोन सुन था, सो हम बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह ले गए थे, लेकिन आज देखो मुझे कैसा जैसा अंडा मिल गया, मतलब उन भैया के यहाँ पे ना इतना ऐसा आर्टिफिशियल जैसा, ऐसे पेंटिंग जैसा लग रहा है, देखो कि मतलब अजीब जैसा अंडा है यार, आप लोग देखो कुछ देखो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. So guys हम जा रहे हैं हमारा पार्सल लेने, एक्चुअली जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उनका घर यहाँ पीछे है, तो उन्होंने कहा था कि चला गया मेरा पार्सल, तो पूछेंगे यहाँ पे पहुँचा है कि नहीं। अभी मेरा जो पार्सल है वो नहीं पहुंचा है, तो हम घर वापस जा रहे हैं बिकॉज बहुत ठंड है अभी। सो गाइज फाइनली मेरा जो पार्सल है वो रिसीव हो चुका है, तो दिस इज माई पार्सल ऑन द वे फ्रॉम महाराष्ट्र। सो मैं वो तो नहीं दिखा सकती ना एड्रेस, बट आप लोग देख लो ये मेरे को मुंबई से रिसीव हुआ है, नोट करो, अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ आइस हॉकी खेल के, तो लाइट भी नहीं है, तो मेरे को इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना कि लाइट का वेट नहीं कर सकते हम लोग। सो चलो खोल देते हैं इसको ना, जिन्होंने मुझे ये पार्सल भेजा है उनका नाम देवा है, एंड ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई, सो ही इज़ एन आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। टफर से गिफ्ट फॉर एन ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे लिए कुछ भेजा है, उन्होंने मेरे लिए ये बिंदी भेजा है, बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच। उन्होंने पेंटिंग भेजा है, आई कांट बिलीव है, एक टॉप है उसमें मैंने ये पहना था, सो उन्होंने मेरे को ये वाला ड्रॉ करके भेजा, और ये मैं हूँ, और इवन कि इवन मेरे मैन जो कान में वो पहने होते हैं ना, देखो एक ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक पहले मैं यहाँ पर भी लगाती थी, एक ऊपर भी था, तो यहाँ पे मैं फोटो दिखा दूंगी आप लोग देख लेना, यहाँ देखो, वाव थैंक यू सो मच देवेंद्र, वाह 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 ये बहुत ही प्रिटी है, इसको मैं फ्रेम करूँगी। एक और है, एक ये है, और भी भेजा है उन्होंने, ओह माय गॉड मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई थिंक मुझे लाइटनिंग में ही करनी चाहिए थी, यहाँ देखो ओह माय गॉड ये मैं ही हूँ, मेरा एक और फोटो है उसमें मैंने यहाँ पर फूल लगाया था, यहाँ देखो वाह गाइस ये भी मैं ही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी सिस्टर जांगमो,
उसके लिए ले जाया उन्होंने। तो जंगमू का भी रिएक्शन देखेंगे हम नीचे जाके। और ये मैं हूँ, ये वाला फोटो उन्होंने धूप में देखने को बोला था। एक्चुअली मैं आपको दिखाई नहीं देगा, बट अगर मैं इसको ऐसे देखूँ ना, इसके पीछे भगवान बुद्ध दिख रहे हैं, बट आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच देवा इतने सारे अच्छे अच्छे चीज़ें भेजने के लिए, इतने सारे पोर्ट्रेट भेजने के लिए मेरे लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं इन सब का फ्रेम करवाऊंगी। और उन्होंने कुछ और भी भेजा है जो कि है इसमें, विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे इन चीज़ों की आदत ही नहीं है। एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक दिख रहा है, ओह माय गॉड गाइस, उन्होंने मेरे लिए इतना एस्थेटिक तरीके से लेटर भेजा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 90s में जो राजा वगैरह होते थे, वो मतलब वो 90s वाला भाई। तो थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड। वैसे आगे पढ़ा ही नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच, मुझे ऐसी चीज़ों की आदत नहीं है ना, तो ऐसे थोड़ा अंदर से ऐसे हो रहा है कि किसी ने मेरे लिए इतना सब कुछ भेजा है, मतलब आई कांट बिलीव यार, इतना अच्छा लेटर, इतना हार्ड वर्क करा है। देखो बिल्कुल इसको 90s वाला लुक दिया है, जैसे जो राजा वगैरह के ज़माने का लुक दिया है। जांगमू का पेंटिंग है, तो अभी मैं जांगमू को दिखाने वाली हूँ। या इतना प्यारा, मतलब बिल्कुल मेरी तरह सेम है। थैंक यू सो मच, पेंटिंग धूप में देखने को बोला था ना उन्होंने, देखो कैसे दिख रहा है। भगवान बुद्ध, ओह माय गॉड।